नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समीक्षा में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं TGT PGT कलर रीजन नोट्स, जो कि उत्तर प्रदेश TGT PGT UPGIC UPHESC परीक्षा है, जो है स्मार्ट कलर रिवीजन नोट्स जो है कला हल प्रश्न पत्र सहित जो है ये एक तरह का देखिए, जैसे डिस्क्रिप्टिव भी है, वन लाइनर भी है, साल भी है, नोट्स भी है, पूरा कम्बाइंड जो है इस किताब में जो है निकाला गया है। तो आइए देखते हैं कि इस जो है किताब में क्या खास बातें हैं, क्या क्या दिया गया है, कितने रुपए की, कितने पेज की, और कहां तक इस परीक्षा में जो है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से जो वैकेंसी आई हुई है TGPT की, वहां तक कितना काम करेगी। तो देखिए ये ऊपर लिखा गया, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित अद्वितीय पुस्तक, जिसमें UP TGT PGT UP GIC UP HESC परीक्षा है, तो स्मार्ट कला रिविजन नोट्स कला हल प्रश्न पत्र ऐसा देखे दिया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कला स्नातक भर्ती परीक्षा 2016, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन शिक्षा 2016, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कला स्नातक भर्ती परीक्षा 2021, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन भर्ती 2021। देखिए संस्करण मई 2022, बिल्कुल लेटेस्ट किताब जो है ये छपी हुई मार्केट में आई हुई है। जो व्यक्ति TGT PGT कला से जो इंटर प्रावधिक कला किए हुए हैं और ये जो TGPT फॉर्म डाल रहे हैं उस कंपटीशन के लिए ये किताब जो है छापी गई है। देखिए इसके लेखक हैं राकेश गोस्वामी, ये ऊपर का पृष्ठ है। अब आइए इसके नीचे के पीछे वाले पृष्ठ के बारे में देखते हैं। देखिए ये राकेश गोस्वामी जो है जो किताब के लेखक हैं, इनके बारे में जो है दिया गया है। पब्लिकेशन है गोस्वामी पब्लिकेशन प्रयागराज, इसमें इनका फ़ोन नंबर है, ईमेल है, इनकी योग्यता है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, सब कुछ इसमें दिया गया है। अब आइए चलते हैं इसके अंदर का भाग देखने के लिए क्या क्या दिया गया। देखिए चित्र दिया गया है, लिखा है स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स नवीन संस्करण। देखिए किताब कहाँ से छपी हुई है, MIG 44 गोविंद तेलेगन प्रयागराज, फ़ोन नंबर दिया गया मई 2022, बिल्कुल लेटेस्ट अभी फार्म जब निकला हुआ है TGPT का, उसी के जस्ट पहले ये किताब जो है निकली हुई है। अब देखिए इसका अगर इसके रेट की बात करें तो 520 रुपये लिखा हुआ है, ये आपको 400 रुपये में जो है पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फिर आप देखते हैं विषय सूची में क्या क्या दिया गया है। हमारे जो TGPT का सिलेबस माध्यमिक चयन बोर्ड वाला है, GIC वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, उससे मैच करता है कि नहीं, इसमें क्या क्या दिया गया। देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र जोगी मारा, अजंता, बादामी, सित्तलवासल, सिगरिया, इलवा, एलिफेंटा, प्राकृतिक चित्रकला, पाल शैली एवं जैन अभ्रंश शैली, राजस्थानी चित्रकला, मुगल तथा दक्षिणी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा, बंगाल शैली के कलाकार, आधुनिक तथा समकालीन कलाकार, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला, क्रीटन माइसिनियन तथा यूनानी कला, यूरोपीय मध्यकालीन कला, आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क तथा गोथिक, पुनरुत्थान कालीन कला, फिर बारोक तथा रोकोको कला, नवशास्त्रीयवाद तथा स्वतंत्रतावाद, रोमांसवाद, ब्रिटिश दृश्य चित्रण, वर्जिया कला, यथार्थवाद तथा प्राक रफेलवाद। फिर मित्रों 19वीं सदी की कला, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद। फिर 20वीं सदी की कला, धनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, फिर दादावाद और फाववाद, अल्पकालीन कला प्रवृत्तियाँ, आप आर्ट, पाप आर्ट और भविष्यवाद। फिर देखिए सर्वोच्चवाद, फिर है इसके बाद जो है सुरीलवाद, नवलचीलावाद, किरणवाद, एक्शन पेंटिंग के कंप्यूटर कला, इंस्टॉलेशन कला, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, चित्रकला के 6 अंग, षडंग तथा कला तत्व। फिर है सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला वर्णन, संयोजन के सिद्धांत, परिपेक्ष, मध्यम एवं तकनीक तथा ग्राफिक कला, लोक कला, स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला, विविध तथ्य, सही सुमेलन, सम्मान, भारतीय कला तथा उनकी कलाकृतियाँ, यूरोपीय कलाकार और उनकी
कलाकृतियाँ, भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र, कला दीर्घाएँ, कला संगठन तथा संग्रहालय, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग, महत्वपूर्ण कलावाद प्रवर्तक व स्थान तथा विश्व के सात आश्चर्य, विश्व की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, कलाकार तथा संग्रह, उच्च शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016, 14, 18, 16, 21, ये जो है हल प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फिर देखिए लास्ट में दिया गया है भारतीय एवं पाश्चात्य कलाकृतियाँ। मित्रों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो TTPT का फॉर्म आया हुआ है कला विषय से, उसका पूरा सिलेबस इसमें जो है कवर किया गया। ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई अध्याय नहीं, ऐसा कोई कला से संबंधित कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें न जोड़ा गया हो। उसमें पूरे तरीके से इसको जो है जोड़ा गया है। कोई चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने सारे टॉपिक को जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब आइए देखते हैं कितने पेज की किताब है। देखिए 470 पेज की किताब है ये, पूरे तरीके से अगर देख लिया जाए तो 470 पेज इसमें हैं, जो कि हल प्रश्न मिलाकर जो है ये पूरी किताब जो है लिखी गई है। अब देखिए अध्याय एक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। देखिए चित्र के माध्यम से जो है ये हाथी का जंगली चित्र दिखाया गया है। चित्र के बारे में बताया भी गया, लखनिया वन मिर्जापुर मुख्य शिला पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल दृश्य 5,500 ईस्वी पूर्व। इस किताब को देखिए खास बात है, एक पेज को दो पार्ट में जो है जो चित्र है फिर नीचे लिखा गया है, उसके बाद फिर देखिए दूसरे पार्ट में भी लिखा गया है। अब इसमें देखिए ये पैराग्राफ टाइप में जो है, ये नोट्स टाइप में जो है लिखा गया है। ये पेज नंबर देखिए, ये जो पेज नंबर है हमने जो है इसको लिया है, पेज नंबर इसमें नहीं दिखा रहा, पेज नंबर 7 से लिया गया है। दूसरा देखिए पेज नंबर ये 23 से, ये जो दूसरा पृष्ठ पेज नंबर 23 का हमने PDF बनाया हुआ है, इसमें देखिए स्मार्ट कला रिविजन नोट्स ऊपर लिखा हुआ है। ये 1-liner टाइप का देखिए नोट्स दिया गया है, एक बूंद बूंद टाइप का चिन्ह बना के और एक एक लाइन में 1-liner नोट्स है। और उसके बाद देखिए इन्होंने हर टॉपिक को समझाने के लिए चित्र का जो है बहुत अच्छा प्रयोग किया हुआ है। फिर देखिए पहले पैराग्राफ है, फिर 1-liner है, चित्र है, फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली, अजंता, रवि वर्मा, मुगल, बंगाल शैली। फिर देखिए इन्होंने प्रैक्टिस शीट टाइप का जो है इन्होंने दिया हुआ, इसका आंसर इसके साथ नहीं है। अब इसका आंसर कहाँ होगा, आइए इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर देखिए, आंसर जो है ये लास्ट में देखिए, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं लास्ट में जो है आंसर इसका दे दिया गया है। तो मैं आंसर दिखाने के लिए आपको जो है आगे का जो है पृष्ठ पे हम ले गए थे, ये ऑब्जेक्टिव है। फिर देखिए पेंटिंग जो जो जिस जिस पेंटिंग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, उस पेंटिंग का चित्र उसके बारे में जो है नोट्स जो है बाकायदा बड़ा बढ़िया बना के इन्होंने दिखाया गया है नोट्स टाइप का। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव आया है, ऑब्जेक्टिव बाद फिर लास्ट पेज में जो है हर टॉपिक का पहले पैराग्राफ है, 1-liner है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर साथ दिया गया है। फिर देखिए ये दिया गया है कि ये सुमरणम के भी है, हैबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, मतलब ये जितने भी पेंटिंग पेंटर हैं लेखक हैं उनका उनके बारे में जो है दो चार पाँच पर लाइन जो है ये दिया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। उनके बारे में दिया गया है, उनके पेंटिंग के बारे में दिया गया है, उन्होंने जो कलाकृति बनाई है उसके बारे में जो है दिया गया है। फिर देखिए भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र, कला दीर्घाएँ, कला संगठन एवं संग्रहालय, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये 1-liner दिया गया है, जिसमें कि पिछली बार से भी 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे, इसके पहले भी 5-7 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, जो कि देखिए भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र, वो किसी भी राज्य में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे चेन्नई में हो, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, किसी भी स्टेट में हो, जहाँ जहाँ भी कला से संबंधित जो है केंद्र हैं या संग्रहालय हैं उनके बारे में जो है बताया गया। फिर देखिए यूरोपीय कलाकार एवं उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, अब यूरोपीय कलाकार इसमें देखिए दे दिया गया, वो वहाँ पे जो हमने दिखाया था हैबर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे और गगनेन्द्र थे, वो भारतीय परिपेक्ष में थे, यहाँ पे यूरोपीय कलाकार तथा उनकी कृतियों के बारे में थे। यूरोपीय में देखिए मसाचियो, लोरेंजो वियर्ति, दानातोल्ले, पाओलो चल्ले, ज्योति, ये यूरोपीय कलाकार और उनकी कलाकृतियों के बारे में एक पेज में दो पार्ट में देखिए ये दिया गया। फिर आइए भारतीय कलाकार एवं प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, देखिए भारतीय परिपेक्ष में आ गया, राजा रवि वर्मा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर,
नंदलाल बोस, अचित कुमार हल्दार, फिर उनके बारे में जो है बताया गया है। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव, हर टॉपिक का जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है और उसके आगे जो है लास्ट में सबका जो है आंसर दिया गया है। तो आप पहले नोट्स पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको टिक लगाइए, फिर जो है आप जो आंसर दिया गया है उस आंसर से इसको जोड़ कर टिक लगाइए कि देखिए कितना आपका जो है ये आंसर सही होता है। इससे आपको अपने पढ़ने पर भी क्वेश्चन मिलान पर लगेगा कि हाँ हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये है तो मित्रों, ये था गोस्वामी जी की चित्रकला स्मार्ट नोट्स, जिसमें थ्योरी भी है, वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, चित्र भी है और संग्रहालय भी हैं, केंद्र भी हैं, जो जो कलाकार उनके नाम हैं उनकी कलाकृतियाँ भी दी गई हैं। तो मित्रों, ये किताब आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और किसी किताब के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसका नाम और लेखक का नाम लिख भेजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।